आप लोगों को पिंटू मिश्रा याद है, वह बैच नंबर 2007 वाला। पिंटू मिश्रा वो सेकंड रैंक वाला? हाँ हाँ वही वही सेकंड रैंक वाला। वो आईएएस तो बना ही मैडम जी, और तो और उसका बाप भी रिक्शे वाड़ा निकला। सर इंटरव्यू का टाइम हो गया। वो फाइल पकड़ाना मैडम जी। जी कैसा नाम है भाई? पुष्पा। पुष्पा राज? नाम से तो कोई फ्लावर लगता है साला। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा है क्या तुम्हारी माँ का चोदो? फायर है मैं। फायर है ये, अबे लड़ ले तू टेढ़ा वाला। बैठ बैठ के पुष्पा बैठ के फायर बैठ के। हाँ तो पुष्पा जी, आपका पहला सवाल ये है कि मान लीजिए आप अगर आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सिंपल है मैडम, सबसे पहले मैं 3 लोगों की नौकरी खाएगा। अच्छा, और अगर नहीं बन पाए तो? तब ये 3 को खाएगा। रे एक सेकंड पुष्पा, यो फार्म में तो थारे फादर का नाम ही ना लिखा, वैसे के है थारा पूरा नाम? पुष्पा राज। और मारा नाम केस है पुष्पा। चल तुझे नहीं मालूम होगा, के है श्रीवल्ली मैडम जी। भावर सिंह। के है मंगल सिंह सर। भावर सिंह शेखावत। हाँ जी है मारे बाप का नाम। मारे नाम पर तो मारे ब्रांड का ठप्पा लगा से, पर थारा तो कोई ब्रांड ही ना से पुष्पा। वैसे तने कुछ तो मालूम होएगा अपने बाप के बारे में? मुझे नहीं मालूम साहेब। तुझे नहीं मालूम तो मैं क्या थारी माँ से पूछूं? अरे सर मैं तो कहता हूँ इसकी माँ को छोड़ो, अगला सवाल पूछ लेते हैं। हाँ तो मिस्टर पुष्पा, यदि मैं तुझे नंगा करके तेरी गांड की चुदाई मार दूं तो तू क्या करेगा? करेगा? अरे मैं चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बता देगा कि बहुत मजा आया, और उसके बाद आपकी आंड को काट के मैडम को आंड की भुजिया खिलाएगा मैं। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, एकदम आइए सब सवाल जवाब दिया है तूने। हाँ तो पुष्पा जी, इसमें जैसे कि देखा जा सकता है कि आपको गणित में बहुत रुचि है। जी मैडम। तो चलिए आपको एक गणित का ही सवाल पूछ लेती हूँ। मान लीजिए मैंने अपनी सहेली को 500 रुपए दिए और उसने मुझे 261 रुपए वापस कर दिए, तो बची हुई शेष राशि का पता लगाने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फार्मूला? उसके लिए आपकी सहेली का एक बाल नाखून और झाड़ फूक का मंत्र लगेगा। आपको क्या लगता है मैं चंद पैसों के लिए अपनी सहेली पे जादू टोना करवाऊंगी? मैडम मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। नहीं नहीं, अब कहने सुनने की तो कोई बात ही नहीं है। ये लीजिए और ऐसा मंत्र मारिए कि उस कुतिया की गांड तो फटे ही और मेरा सारा पैसा सू समेत वापस कर दे। मैडम वो सब तो बाद में होता रहेगा, पहले इंटरव्यू फाइनल करके बता दो कि अपुन आईएएस बनेगा भी या नहीं। पुष्पा जी आपका इंटरव्यू तो हो गया है, पर हमें डिसीजन लेने के लिए थोड़ा समय लगेगा, तो आप कृपया। जी मैडम। मिस्टर पुष्पा, हमने डिसाइड कर लिया है कि आप आईएएस बनते हैं या नहीं।
मैडम बता दीजिए। अरे नहीं नहीं सर आप बताइए ना। मैडम मैं ये सर बता दो बता दो। चलिए सिखाओ जी आप। अरे नहीं नहीं मैडम जी। अरे आप तो आप ही बताइए। अरे ठीक है मैं बता देता मैडम जी। हाँ भाई पुष्पा, ये जो तने इंटरव्यू दिया है आईएएस का, तो मैं बता दूं कि थार साथ प्रैंक हो गया भाई। क्या मतलब साहेब? मतलब उधर देख। ये साहिब लोग का तो रोज का हो गया लेट आना। अरे मंगल सिंह जी, मैं तो कह रहा हूँ कि सफाई पाई छोड़ो और थोड़ी मौज कर ली जाए। पैंट क्यों सिरवल्ली जी? अब से ना भाई साहब आप लोग मुझे मैडम जी ये बोलना। ऑल राइट मैडम जी। अरे आप लोगों को पिंटू मिश्रा याद है? वह बैच नंबर 2007 वाला पिंटू मिश्रा, वो सेकंड रैंक वाला। हाँ हाँ वही सेकंड रैंक वाला। वो आईएएस तो बना ही मैडम जी, और तो और उसका बाप भी रिक्शे वाड़ा निकला। सर इंटरव्यू का टाइम हो गया, चलिए बकरा रगड़ते हैं। पहले देख लेते हैं बकरा है या बकरी। बकरा हुआ तो खेलेंगे और बकरी हुई तो पे। वो फाइल पकड़ाना मैडम जी। जी कैसा नाम है भाई? पुष्पा। पुष्पा राज, नाम से तो कोई फ्लावर लगता है साला। पुष्पा राज, मैं रुकेगा नहीं साला।